जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल हम देख रहे थे इन डिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज, उसमें किसी के क्वेश्चन है कोई इश्यू, बजट नाइन बल्कि देखते थे, सॉरी बजट नाइन और बजट लाइन की मूवमेंट, उसके हवाले से डिस्कशन हमारी थी। कल उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। चलो ग्रेट। अब हमने हम चाहते थे, हमने तो ये देखना था ना कि सर हमारा जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ही विल हैव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे हासिल कर सकता है, तो उसको ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जनाब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे हाँ दो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े पिछले दो तीन लेक्चर के अंदर, दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने इंडिफरेंस कर्व, एक कॉन्सेप्ट आपने इंडिफरेंस कर्व का पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व वन, इंडिफरेंस कर्व टू, इंडिफरेंस कर्व थ्री, तो ये कॉन्सेप्ट आपने एक कॉन्सेप्ट आपने ये पढ़ा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा बजट लाइन का। बजट लाइन से आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ जाती है कि ना किस कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि वो विद इन द गिवन इनकम अटेन कर सकता है, हासिल कर सकता है। क्लियर है बजट लाइन का एप्लीकेशन? तो जब आपका दोनों कॉन्सेप्ट को हमने मर्ज किया, व्हेन वी एबल टू मर्ज दीज टू कॉन्सेप्ट, और हमें पता चलता है कि ठीक है इंडिफरेंस कर्व टू लामहला हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे दिया है बनिस्बत इंडिफरेंस कर्व वन के, लेकिन वी विल बी ओनली एबल टू अटेन द बजट लाइन कॉम्बिनेशन। और बजट लाइन कॉम्बिनेशन के अंदर भी जो ऐसी बजट लाइन जो कि किसी एक इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है, वहां पे हमें मैक्सिमम उस कॉम्बिनेशन से जहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इस कॉम्बिनेशन से हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल होगी। एक बजट लाइन ये भी हो सकती है, एक बजट लाइन ये भी हो सकती है, सॉरी इंडिफरेंस कर्व, दिस कुड बी अनदर इंडिफरेंस कर्व, दिस कुड बी जीरो। तो अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पे है? इस बजट लाइन के ऊपर कम सेटिस्फेक्शन है इंडिफरेंस कर्व जीरो के ऊपर, और इंडिफरेंस कर्व वन के ऊपर हमारी मैक्सिमम ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, इंडिफरेंस कर्व टू के ऊपर उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व टू और थ्री ये दोनों अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। इंडिफरेंस कर्व वन के भी जो टेंजेंसी के अलावा वाले कॉम्बिनेशन है ये अनअटेनेबल एरिया के अंदर है। सिर्फ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां पे टेंजेंट है बजट लाइन टू इंडिविजुअल कर्व, उस पॉइंट के ऊपर एक सर्टन पॉइंट के ऊपर हमारा बजट लाइन और इंडिविजुअल कर्व एक हो रहा है। ऐसे ही ना पॉइंट ऑफ टेंजेंट का आइडिया है, टेंजेंट क्या होता है? अलीशा बिलाल फिजा नुमान, टेंजेंट का आइडिया टेंजेंट क्या होता है? नॉक नॉक
there, the teacher. जा रहे हैं सो रहे हैं और सैटरडे है फर्स्ट डे दिन है तो करते हैं सबको मीडिया भी मेरा टेंजेंट का आइडिया टेंजेंट का आई हैव नो आइडिया मैथ्स में हमें जो ज्योमेट्री है उसके अंदर हमें ये बताते हैं कि अगर किसी कर्व कोई एक कर्व जा रही हो उस कर्व से का सेंटर से फासला मैक्सिमम फासला कहां पे होगा क्रॉस कर सकती है लाइन उसको इंटरसेक्ट कर सकती है लाइन और लाइन उसके टेंजेंट हो सकती है टेंजेंट सी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जनाब आपकी जो कर्व है वो ओनली वन पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर उस जो लाइन है उसको टच कर रही है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंसी इस लाइन ने और इस कर्व ने सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करना है उसके अलावा और किसी पॉइंट के ऊपर ये टच नहीं कर रहे एक दूसरे को बिल्कुल सेपरेट है एक दूसरे से सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ओनली वन पॉइंट दे हैव कॉमन बिटवीन द कर्व एंड द लाइन ये टेंजेंट कहलाता है कर्व और लाइन के दरमियान में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है बाकी कोई पॉइंट कॉमन नहीं है इसके अपने पॉइंट्स हैं ये इसके अपने पॉइंट्स हैं ये लाइन आपकी जगह पर ये लाइन आपकी जगह पर लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां पे एक दूसरे को ये सेम हो रहे हैं एक दूसरे के साथ ये टच कर रहे हैं तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं क्लियर अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ टेंजेंट टू दिस कर्व तो टेंजेंट टू दिस कर्व का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन लाइन ड्रॉ करें जिस जो कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इस कर्व को टच कर रही हो टेंजेंसी का आइडिया ये है बिलावल समझ आई कि नहीं और उससे मकसद क्या होता है उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि ना एक पॉइंट के ऊपर इन दोनों का बिहेवियर कॉमन है लाइन और कर्व का उस पॉइंट के अलावा इन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है उस पॉइंट के अलावा इन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों कॉमन है वहां पे इनकी स्लोप कॉमन है वहां पे ये कॉमन पॉइंट के ऊपर है इसको हमने टेंडेंसी को हमने बहुत ज्यादा जगहों पे आगे भी मजीद कॉन्सेप्ट्स के अंदर इस्तेमाल करना है तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए टेंजेंट टेंजेंट जब हम बात करेंगे टेंजेंट लाइन टेंजेंसी की एक क्लैरिटी होनी चाहिए क्लियर है अब ये हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई कितना दिस इज आवर बजट लाइन ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इन डिफरेंस कर्व 1 के साथ टेंजेंट है और हम क्या कर सकते हैं पॉसिबिलिटी शेयर हम इंडिफरेंस कर्व 2 के भी काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि हम इंडिफरेंस कर्व 0 के इंडिफरेंस कर्व 0 के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारी बजट लाइन के अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन है अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन है इस पॉइंट के ऊपर भी ये भी अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन है बट ये इंडिफरेंस कर्व 0 के ऊपर है और इंडिफरेंस कर्व 0 लेफ्ट साइड पे है इंडिफरेंस कर्व 1 के लोअर सेटिस्फेक्शन दे रही है इस वजह से हम ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट नहीं करेंगे इन कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट नहीं करेंगे हमारी सिलेक्शन के लिए इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर जो कॉम्बिनेशन आ रहा है एक ही कॉम्बिनेशन आ रहा है सिर्फ सिर्फ जो टेंडेंसी की वजह से और उस कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब है कि वहां पे we will have maximum satisfaction from our limited resources. This much of y and this much of x. y1 and x1. This combination will yield the maximum satisfaction. In difference, summary,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मामलात थे, हम ये देखना चाहते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, कहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी, इस वजह से वी विल चूज दिस. हम पॉइंट ए, पॉइंट बी को और पॉइंट डी को या ई को चूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉइंट एफ को चूज करेंगे. क्यों? कि एफ ऐसी इंडिविजुअल स्केल के ऊपर है जो कि हमारी बजट लाइन के टेंजेंट है. दैट मींस कि हमारे अटेनेबल अटेनेबल कॉम्बिनेशंस में से ओरिजिन से सबसे दूर है. अटेनेबल कॉम्बिनेशंस में ओरिजिन से सबसे दूर कॉम्बिनेशन सिर्फ यही है. कोई मुश्किल सादा सी बात थी हमारी, जो पिछली जो हमारी स्टडीज थी उसी को हमने कंबाइन किया, कोई उसमें हमने नई चीज नहीं. अच्छा, इसको भी क्वालिफाइड कर लेते हैं. पिछली जो स्टडीज अब तक की है उनको अगर हम किताब से देखते हैं, इजाजत है मॉडरेटर सब्सक्रिप्शन देख लिया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बातें कर रहा है, दी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज पॉसिबल फॉर द कंज्यूमर टू बाय गिवन द रीजनेबल बिल प्राइस इन द मार्केट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द प्राइस लाइन इज टेंजेंट, ये जो बात है, टू द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम बिलो. बजट टाइम की वो डेफिनेशन उसने प्राइस ऑफ आय इनटू क्यू ऑफ आय प्राइस ऑफ एक्शन की इफेक्ट्स. बजट टाइम की मूवमेंट इनकम में चेंज से आपकी शिफ्ट इनकम कम होगी तो इनर साइड के ऊपर आ जाएगी तो बढ़ेगी, आउटर साइड के ऊपर बजट टाइम की शिफ्ट प्राइस कम होगी तो एप्पल की प्राइसेस कम होंगी तो हमारी मूव कर देगी. टू टू फाइव प्राइस ऑफ करंट रेंज एट वन पॉइंट फाइव एंड इनर साइड के ऊपर मूव करेगी इंडिफरेंस कर्व. ये जो अभी हमने एग्जांपल देखी फिर ना हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जहां पे वो टेंडेंट होगी उसको दैट इज योर ऑप्टिमम पॉइंट. उसकी रीजनिंग आपके साथ आप क्लियर है. उसी की अंडरस्टैंडिंग उसी की रीजनिंग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. एग्जाम्पल तो ये उसी की और ये इनकी मॉडल रेडी की हमने असम्पशन और वो सारी चीजें पहले पढ़ ली थी. ठीक है, बुक के अंदर भी कोई इश्यू तो नहीं है? किसी ने बुक को ज्यादा लिखा था? अलीशे किताब का जो देखते हैं सन्नाटा सा सन्नाटा है. जवाब दे रहे आज देखनी है, अच्छा है आज देखना है. बुक को भी जाके पढ़े और असल में क्या है कि यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद योर आपको किताब से कंफर्टेबल होना जरूरी है. एट द एंड ऑफ द डे आप लेक्चर्स देख रहे होंगे, एट द एंड ऑफ द डे आप किताब से पढ़ रहे होंगे. अगर आज आपने किताब नहीं खोली, आज आपने किताब से दोस्ती नहीं की तो जब आप रिव्यू की तरफ जा रहे होंगे उस वक्त आप ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स निकाल के नहीं पढ़ सकते, नहीं देख सकते. उस वक्त आपको किताब ने ही मदद देनी है. तो आज के दिन कोशिश करें कि किताब के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं उन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग किताब के साथ फेमिलियरिटी कर लें, फेमिलियर हो जाए किताब के साथ, पेजेस के साथ फेमिलियर हो जाए ताकि कल को जब आप किताब खोले तो आपको कोई नई चीज ना लगे. अगर सिर्फ आप ये समझें कि हाँ हमने लेक्चर्स देख लिए और लेक्चर्स को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेते हैं, जब
रिवील का टाइम आएगा, फिर दोबारा लेक्चर्स निकाल के देखेंगे. सर लेक्चर्स से यू वॉन्ट बी एबल टू रिवाइज, तो बड़ा मेहरबानी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी कि आप किताब के साथ अपने आप को कंफर्टेबल करें. इसी वजह से मेरी कोशिश होती है मैं आपके सामने जो किताब से रिलेटेड एरिया है उनको मैं डिस्कस करता हूँ, तो उनकी उनको आपके सामने दिखा दूँ कि ना ये चीजें हम नहीं है, ताकि आपको किताब की शक्ल कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखा दूँ. और ज्यादा कोशिश ज्यादा इफेक्टिव तब होगी जब आप खुद किताब के उन पेजेस को खोल के देखेंगे. ठीक है जी, तो कोशिश करें आपकी जितनी भी स्टडीज करते हैं उसमें जब आप वो क्लास ले लें तो शाम में, वैसे तो ज्यादा बेहतर बात ये होती है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है उसको एक दिन पहले पढ़ के आए, आप अपने टीचर से उसको सुने और फिर शाम में जाके दोबारा उसको रिवाइज करें, तो उससे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बड़ी तसल्ली के साथ ध्यान की होगी, बेहतर हो जाए. अच्छा सर, फिर कहते हैं आगे चलते हैं, ये तो एक नसीहत अमोज या नसीहत अमेज किस्म की बात होगी, आगे चले छोड़िए सब बातों को, ये तो चीज चलती है ना. 24 पॉज दिया, मैंने कहा देखूंगा थे कि लोग वो नसीहत सुन के सो तो नहीं गया. नसीहत बड़ी बातें सुनते सुनते ना लोगों को नींद बहुत आती है, मुझे भी बहुत आती है, अभी भी आती है, इतनी बड़ी बात नहीं. अच्छा, हमारा जो कॉन्सेप्ट था हम कर क्या रहे थे, हम कंज्यूमर को डिस्कस कर रहे थे, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे थे और कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हुए हमने जागते रहना से साढ़े तेरह रहना है ना, हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा और कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हुए हमने ऑर्डिनल अप्रोच, कॉर्डिनल अप्रोच की डिस्कशन की, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को समझा, मार्जिनलिटी की कॉन्सेप्ट को समझा, फिर हमने लाभ की मार्जिनलिटी को समझा, फिर हमने ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व की डिस्कशन की, फिर बजट लाइन की डिस्कशन की, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को आपस में कंबाइन करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जहां अगर किसी कंज्यूमर को अपने लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करनी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना है, तो जनाब उसको जरूरत है इस अमल की कि जनाब उसको पता होना चाहिए कि मेरी डिफरेंस कर्व क्या है, मेरी बजट लाइन क्या है, डिफरेंस कर्व और बजट लाइन की टेंडेंसी वाला जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर ले. जब वो उस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लेगा तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी अटेन करेगा फ्रॉम अपने गिवन रिसोर्सेस. ये एक नक्शल कंज्यूमर के हवाले से हमने डिस्कस किया. आप कहते हैं जनाब ये बातें तो आपने कर दी, बहुत अच्छी बात सर, वेरी गुड, थैंक यू, क्लैपिंग फॉर यू, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो बड़ी थ्योरेटिकल बात है, थ्योरेटिकल बात है. इसके अंदर क्या इस तरीके के साथ चीजें होती हैं और कुछ और तब्दीलियां भी आ जाती हैं, कभी कभार प्राइस चेंज हो जाती है, कभी कभार कोई आपकी इनकम चेंज हो जाती है, कभी कभार आपके ऊपर इंपैक्ट कुछ हो आ जाते हैं. तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाएगी तो हमारे कंज्यूमर अचीवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगी तो कंज्यूमर अचीवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा. Sorry.
ये मामला जो है वो सबसे प्रैक्टिकल मामला है. आपने हमें तो थ्योरी के अंदर इतना कुछ बता दिया समझा दिया कि लाभ ये जो भी हो ये लो जी ये डिफरेंस कर किसी डिफरेंस कर का टेंडेंट चलो जी अल्लाह ऊपर माशाल्लाह बात ठीक होगी. लेकिन ये जो आपने बात कही समझ में आने वाली बात है ठीक है थ्योरेटिकली हम समझ लेते हैं आपने कहा हम मान लेते हैं. इकोनॉमिक्स वालों ने हमारे साथ मेहरबानी की उन्होंने कुछ ना कुछ बेबे को समझने के लिए हमारे लिए चीज ले है बट देर आर अदर इश्यूज दैट नीड टू बी अंडरस्टूड दैट नीड टू बी अंडरस्टूड चेंज इन प्राइस उसका डिलीवरी डिलीवरी को क्या फर्क है चेंज प्राइस ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है. चेंज इन इनकम ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकती है. अब इन प्राइसेस का इनकम की चेंज का इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इनकम वो क्या है उसके ऊपर तो जरा हमें बताइए रोशनी डालिए. कोई उसके ऊपर भी रोशनी डालिए जहां ये इन सब जमात की बिना पर कंज्यूमर इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा प्राइस चेंज और वो सारी चीजें. तो वो कहते हैं इसको समझने के लिए ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बिहेवियर कंज्यूमर का बिहेवियर प्राइस चेंज और इनकम चेंज के ऊपर अपने इक्विलिब्रियम के अंदर जो फर्क पड़ेगा उसको समझने के लिए वो कहते हैं पहले आपको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट के कंज्यूमर डिफरेंट तरह का बिहेव करेगा. अगर आपकी प्रोडक्ट सर प्रोडक्ट में क्या होती है जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं जिसको हम गुड कह रहे हैं उस गुड को क्या साहब कह रहे हैं आपको समझ नहीं आई. हम इकोनॉमिक्स भाई कहते हैं कि हमारी जो गुड है उनको आप चेंज कर सकते हैं नॉर्मल गुड्स में डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल गुड्स में उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं इंफीरियर गुड्स में फिर उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं गिफन गुड्स में. कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं गुड्स की कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड क्या कैटेगराइजेशन है नॉर्मल गुड इंफीरियर गुड डिफरेंट गुड. नॉर्मल गुड कौन सी है उसमें कहा कि कंज्यूमर का बिहेवियर इसमें नॉर्मल गुड्स के सिलसिले में ये होता है कि जब नॉर्मल गुड की प्राइस बढ़ती है प्राइस और डिमांड प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा. नॉर्मल गुड के लिए कंज्यूमर क्या करेगा प्राइस बढ़ेगी फॉर एग्जाम्पल प्राइस इंक्रीज करेगी तो नॉर्मल गुड के लिए वो डिमांड को डिक्रीज करेगा और अगर नॉर्मल गुड की प्राइस डिक्रीज करेगी तो नॉर्मल गुड के लिए कंज्यूमर बिहेव करेगा कि उसकी डिमांड को इंक्रीज करेगा. एग्जाम्पल क्या है फॉर एग्जाम्पल आपकी जो रूटीन की चीजें हैं आपकी पेट्रोल की प्राइस है आपकी चेयर की प्राइस है आपके कपड़ों की प्राइस है तो कपड़ों के ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल है कि डिस्काउंट्स 50% डिस्काउंट 70% डिस्काउंट 30% डिस्काउंट. अब वो डिस्काउंट से क्या किया जा रहा है कि नॉर्मल गुड की प्राइस को डिक्रीज किया जा रहा है. क्यों डिक्रीज किया जा रहा है ताकि उसकी डिमांड को इंक्रीज किया जाए. ऐसे ही है तो नॉर्मल गुड्स के अंदर हमें नजर आता है कंज्यूमर इस तरीके के साथ बिहेव करेगा कि जनाब आपकी जो प्राइस है और डिमांड में रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप आपकी नॉर्मल गुड्स के लिए इनवर्स रिलेशनशिप होगा प्राइस और डिमांड. दूसरी जाने इंफीरियर गुड्स में इंफीरियर गुड्स कौन सी गुड होती है
इंफीरियर गुड्स कहते हैं जनाब, एग्जाम्पल इंफीरियर गुड्स की, ये ऐसी गुड्स हैं जिनको आप थोड़ा सा कम तक समझते हैं, इसका इस्तेमाल आप जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, परचेज करते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा कमतर समझा जाता है। इंफीरियर गुड की एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप बीफ और मटन है ना पाकिस्तान में, इसकी एग्जाम्पल किसी को गुर्बत का खाना मारना हो तो कभी मटन खा के देखा नहीं, कभी कुछ मटन खा उसमें बड़ा अच्छा है, तुम क्या खुद के खाने वाली को हम आजकल मुझे बड़ा आजकल तो वो हम जीप से भी आगे चले गए खुद के खाने वाली कौन बन, तो बहरहाल तो हमारे कॉन्सेप्ट में ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जनाब जो बीफ है ये मटन के मुकाबले में इंफीरियर प्रोडक्ट है। जब किसी शख्स की इनकम इंक्रीज होगी तो इनकम पहले अगर वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा था तो वो शायद 1 किलो बीफ ले रहा था, लेकिन अगर वो 1 लाख रुपया महीना कमाना शुरू करेगा तो लामहला इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन को वो रिड्यूस कर देगा, करेगा नहीं करेगा। जब इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड की कंजम्पशन रिड्यूस होगी, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही उसको समझता है कि ये इंफीरियर है, ये कम तर है, मैं क्योंकि गरीब हूं, कम इनकम कमा रहा हूं, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेता हूं। अगर मेरी इस्तेदाद बढ़ जाए, मेरी इनकम बढ़ जाए, तो मैं इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करूंगा, मैं इससे बेहतर प्रोडक्ट को यूज कर दूंगा। ये कंज्यूमर का एक साइकी है, कंज्यूमर की एक बिहेवियर है। तो इंफीरियर गुड्स के सिलसिले में हमारा इनकम का और डिमांड का एक रिलेशनशिप बनता है, यहाँ पे प्राइस पानी इनकम का और डिमांड का एक रिलेशनशिप बनता है। इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनकम और डिमांड का भी इनवर्स रिलेशनशिप, इनकम बढ़ती है तो डिमांड इसकी कम करेगा इंफीरियर गुड्स की, और इनकम अगर कम होती है तो इंटीरियर गुड्स की डिमांड में इजाफा होगा। ये इनकम के साथ इसका ताल्लुक बनता है इंटीरियर गुड्स का, मसला तो नहीं है इसके प्रति। फिर आगे इश्यू आ गया गिफन गुड्स। गिफन गुड्स एक प्रोफेसर साहब थे, इकोनॉमिस्ट थे गिफन साहब, उन्होंने कहा कि साहब जो आपने ये नॉर्मल गुड्स की बात की है, ये जो नॉर्मल गुड्स की बात की है, इनका बिहेवियर गिफन गुड्स के अंदर बिहेवियर उल्ट हो जाता है। क्या उल्ट हो जाता है? गिफन गुड्स आर दोज गुड वेयर प्राइस एंड डिमांड हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस एंड डिमांड हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या बात कहती है आपका कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम होगी, ये तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट को आपने उल्टा उल्टा कर दिया, ऐसे ही है ना? आपकी प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ जाए, उसकी कंजम्पशन बढ़ जाए प्राइस बढ़ने से, और प्राइस कम होने से उसकी कंजम्पशन कम हो जाए। ये जो अभी आपने सर एग्जाम्पल दी थी कपड़ों की, ये तो सारा मसला ही खराब हो गया। जी अलीशान पहुंच गई, स्टॉक कर लेते हैं, सही कह रही, सारा मसला उल्टा पुल्टा तो हो गया है नहीं अलीशा फिर भी। तो गिफन गुड के सिलसिले में यहां पे गिफन साहब ने एक ऑब्जर्वेशन देखी, उन्होंने देखा जहां पे जो जरूरी अशिया होती है सर्वाइवल के लिए जरूरी, उनकी ऊपर आपने स्पेंडिंग करनी करनी है, वो कंजम्पशन करनी ही करनी है, उन जरूरी अशिया की जब कीमत बढ़ती है तो लोग कहते हैं कि रुला पाएगा कि ना इसकी कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है अभी खरीद लो, क्या पता ये मजीद ना बढ़ जाए, शॉर्टेज ना हो जाए, मिले ना, कीमत बढ़ रही है इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर इसकी मिकदार थोड़ी है,
मार्केट में कम मिकदार में अवेलेबल है, तो मैं अपने पास इसको खरीद के स्टॉक कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। अभी से अगर मैंने इसको ना खरीदा तो मुझे कहीं ऐसा ना हो कि इसके बगैर रहना पड़े। तो परेशान होके लोग शॉर्टेज से के डर से उसको अपने पास स्टॉक करते हैं, होल्ड करते हैं, और उस होल्डिंग की वजह से जब कंजम्पशन गोल की बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ने से इस लोगों के दिमाग में, क्योंकि वो जरूरी चीज है, कपड़े नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई एयर कंडीशनर नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही, ये उन चीजों की बात हो रही जो कि नेसेसिटी है, शायद आटे की बात हो रही, शायद आपकी चावल की बात हो रही है, इस तरीके की जो नेसेसिटीज है, बेसिक नेसेसिटीज है, जिनके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। आटा ना हो एक दिन घर में आपका गुजारा नहीं हो सकता, आपके पास जरूरी चीज है सर्वाइवल के लिए, तो उसकी जो जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ती है लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं कि यार अच्छा कहीं पे शॉर्टेज ना हो जाए, और उसकी वजह से वो कर लेते हैं। और इसी तरह से जब उसकी प्राइस कम होती है तो क्या होता है, लोग तसल्ली हो जाते हैं, मार्केट ही बहुत ज्यादा अवेलेबल है, सामान परेशान होने की जरूरत नहीं, तो अपनी कंजम्पशन उससे कम कर देते हैं, प्राइस कम होने से उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है और प्राइस बढ़ने से उसकी कंजम्पशन बढ़ती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हमारे पास अवेलेबल है विद रेफरेंस टू कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। देन इसके अलावा दो तीन और भी टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल, दो तीन और भी टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल, कौन कौन सी है जनाब? एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स। जनाब आपने ये बात बता दी, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट गुड्स की कोई चीज होती है, सब्स्टिट्यूट गुड सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, जिनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है एक दूसरे के साथ, दे सेटिस्फाई सेम नीड। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी गुड्स हैं? दो या कोई डिफरेंट गुड्स हैं, डिफरेंट गुड्स सेटिस्फाइंग सेम नीड, डिफरेंट गुड्स सेटिस्फाइंग सेम नीड। एक ही जरूरत को पूरा कर, एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल सीएनजी, वो भी जरूरत है हमारी के गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, एक सफर करने के लिए पेट्रोल चाहिए, यूज कर सकते हैं या सीएनजी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ काफी, चाय और काफी भी आपकी निकोटीन की जरूरत पड़ती है, चाय के भी आपका यही मतलब है। इसी तरह से पेप्सी कोक वो सेम डिफरेंट डिफरेंट गुड है, पेप्सी एक डिफरेंट गुड, कोक इज अ डिफरेंट गुड बट दे सेटिस्फाई सेम नीड। इसी तरह से आपका पानी और पेप्सी है या सॉफ्ट ड्रिंक्स है तो वो डिफरेंट गुड्स हैं बट आपकी प्यास की जरूरत को पूरा करते हैं। आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स में और फिर आ जाती है, आपका चेयर है, आपकी सोफा है जो बैठने की जरूरत आपकी पूरा कर रही है। तो ये अगर इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप लामहला बनता है, सबसे जो गुड्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप है वो आपस में कंपीट कर रही होती है, सबसे जो गुड्स आपस में कंपीट कर रही होती है, डिफरेंट गुड सेटिस्फाइंग सेम नीड्स कंपीट कर रही है, इनका बिहेवियर क्या होगा? इनका बिहेवियर क्या होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के दरमियान में जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिफरेंस कर रहे होंगे तो लामहाला हमारी कंजम्पशन के अंदर शिफ्ट आएगा, उसको चले हम बदल सब्स्टिट्यूट। फिर कहा कि सब्स्टिट्यूट गुड है जी, हम उसको डिस्कस कर लेंगे।
सब्स्टिट्यूट गुड के अलावा कौन सी गुड है? जी हमने कहा गुड है जनाब या कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कोई एग्जाम्पल? दो डिफरेंट गुड्स हैं, बेटर बात सही सही बात, दो डिफरेंट गुड्स हैं, डिफरेंट गुड्स यूज जॉइंटली। जी पहले नहीं ठीक है, डिफरेंट गुड्स यूज जॉइंटली, अगर एक ने इस्तेमाल होना तो दूसरे ने भी होना। अगर पेन है तो उसकी इंक भी चाहिए, रॉकेट है, रैकेट है, शटल है, उसका बैट है तो बॉल भी चाहिए, सीएनजी है तो सीएनजी किट भी चाहिए, मोबाइल फोन है तो फोन की सिम भी चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें एक सेटिस्फेक्शन के लिए, यूज के लिए, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी आप अपनी जरूरत पूरा कर सकते। अगर बैट मौजूद हो बॉल ना हो नहीं है, कोई फायदा नहीं बैट है, आप अपना मकसद पूरा नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से पेन मौजूद है लेकिन इंक नहीं है, कोई फायदा नहीं, आप अपना मकसद पूरा नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इम्पैक्ट है कि दोनों ने सेम इस्तेमाल होना है, सेम जरूरत के लिए मिल के इस्तेमाल होना है। और इसके अलावा ये सारी बातें तो आपने पढ़ी, नॉर्मल गुड्स की तरह से हमारे पास ऐसी इररेलेवेंट गुड भी होगी, इररेलेवेंट जिनके इस्तेमाल का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस्तेमाल का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इररेलेवेंट गुड्स। कौन कौन सी गुड हो सकती है? ब्रेड एंड सी एनजी, ब्रेड एंड सीएनजी, सीएनजी की कंजम्पशन और ब्रेड की इस्तेमाल में इजाफे का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन सकेगा। कुछ आपकी मेडिसिन, मेडिसिन एंड फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, शायद कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकेगा। अगर कोई आपने ये ना कह दिया किसी के वो कोई कपड़े कोई इस तरीके के बनाए हुए जिनसे जख्म हो जाते हैं, मेडिसिन एंड लैब, तो कोई वो उनका रिलेशनशिप नहीं बन सकेगा, इररेलेवेंट है। एक दूसरे के साथ कोई तल्लुकात उनके अच्छे नहीं है, वो कोई ये नहीं कह सकेगा कि इसकी वजह से दूसरे के ऊपर असरदार हुआ। तो सब्स्टिट्यूट गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड का आपस में रिलेशनशिप बनता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट गुड्स का क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप है कि एक की कंजम्पशन अगर बढ़ेगी तो दूसरे की कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन ए इंक्रीज करेगी कंजम्पशन बी कम होगी, ऐसा ही है ना? कंजम्पशन ए बढ़ेगी तो कंजम्पशन बी कम होगी, क्यों कम होगी? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और दूसरी जानिब जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर कंजम्पशन ए की इजाफा होगा तो इससे कंजम्पशन बी के ऊपर क्या इजाफा होगा? वो भी इजाफा। डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर कंजम्पशन सी ए कम होगी तो कंजम्पशन बी भी कम होगी। ठीक है जी, आज के दिन के लिए इतना ही। आगे और हमने आईसीसी और बीसीसी की डिस्कशन करनी है, वो हम मंडे से करते हैं, मंडे को करते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़ जी।